नमस्कार, आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। आज की खास खबरों के साथ मैं हूं क्राम सोलंकी। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने मोहल्या पानी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए सागवन की लकड़ी एवं लकड़ी काटने की मशीन जब्त की है। जी हां, मामला पानसेमल वन मंडल के मोहल्या पानी का है, जहां मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से लकड़ी का कार्य करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पानसेमल वन विभाग के रेंजर के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए तीन लकड़ी काटने की मशीन एवं बड़ी संख्या में सागवन की लकड़ियां जब्त की है। वन विभाग के रेंजर मंगेश बुंदेला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि जब्त मशीनों सहित लकड़ी की कीमत 1 लाख से अधिक की है। ये वन परिक्षेत्र पानसेमल के अंतर्गत ग्राम मोहल्या पानी में कल अलग अलग तीन स्थानों से अवैध रूप से जो फर्नीचर निर्माण का काम कर रहे थे उनके यहाँ जब्ती की कार्रवाई की गई है, जिसमें तीन आरोपी है, बारका पिता बावा झंझाड़िया वांगरिया और पदम देव सिंह। इनके यहाँ से अवैध रूप से सागवन का चिरान और अर्धनिर्मित फर्नीचर और कटर मशीन जब्त की गई है। आरोपियों को दो आरोपी गिरफ्तार किए गए, एक आरोपी फरार है और तीनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 और मध्य प्रदेश कास्ट चिरान अधिनियम 1984 के तहत कार्रवाई की गई। सर, जब्त किए माल की लागत जो कल हमने अवैध रूप से संग्रहित की गई वनोपज को जब्त किया गया और औजारों की जो कीमत है वो लगभग 1,15,000 के समथिंग है।